किसी भी चीज़ का कबाब बनाए खाने में उतना ही मज़ेदार होता है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सोया वेज कबाब की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और इसमें हम एक चीज़ डालेंगे जिसे आप डालकर उतना ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी बना सकते हैं कबाब की, जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी और करारी है। तो आप लोग जरूर ट्राई करिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया सोया, तो मैंने 2 कप सोया को 2 घंटे पहले अच्छे से भिगो दिया था और इसको दबाकर सारा पानी मैंने निकाल लिया है इसका। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मसूर का दाल, तो मैंने यहाँ पे मसूर का दाल लिया है 1/2 कप के करीब और इसे भी मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया है और ये फूल चुका है। अब इसको आप चाहे तो इस दाल की जगह आप चने का दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद है दाल उसमें आप डाल सकते हैं, या फिर आप बिना दाल के भी इसमें बना सकते हैं आप सोया कबाब। तो इसमें हम डाल देंगे, आप जार में डालेंगे सोया को और इसके बाद फिर हम दाल को भी डाल देंगे इसके अंदर। तो मैंने पहले भी बताया है कि आप चाहे तो मसूर की दाल की जगह आप चना दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिना इसके भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों सूरतों में ही बहुत ही बढ़िया बनता है वेज सोया कबाब। तो आप चाहे तो बिना दाल के भी बना सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे दाल डाल दिया, जिसे मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे, मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा को भून लिया है और भुना हुआ जीरा डालेंगे इसके अंदर। इसे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कबाब में, तो आप ज़रूर डालें भुना हुआ जीरा। और इसके बाद हम डालेंगे मिर्ची, तो तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून डालूंगी और बाकी के हम बाद में डालेंगे। तो बस फिलहाल हमें अभी 2 ही चीज़ डालना है और ढक्का लगाकर हम इसको पीस लेंगे। और जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अच्छे से यहाँ पे ये पीस गया है सोया और दाल, और देख सकते हैं बड़े अच्छे से। और ये पीसने के बाद इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। वैसे तो मैंने कई सारी कबाब की रेसिपी बनाई है, जैसे कि चना दाल की कबाब और उसके बाद मैंने चापली कबाब भी बनाया और कई सारी कबाब की रेसिपी है, आप सब मेरे चैनल पे देख सकते हैं और आप सबको पसंद भी आएगी। तो ज़रूर देखिए और ट्राई भी करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा मुझे कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और जैसे कि देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे सोया और दाल मैंने यहाँ डाल दिया है बोल में, और मैंने कहा था कि हम एक चीज़ डालेंगे इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पे अंडा डाला है और यहाँ बॉयल अंडा मैंने एक लिया है और इसके अंदर डालेंगे। इसे डालने से बहुत ही अच्छा बढ़िया टेस्ट आ जाता है कबाब के अंदर, वेज कबाब में। तो आप लोग ज़रूर डालें 1 या फिर 2, जितने भी आपको डालना है। आपको पसंद है ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग जितना हो सके उतना डालिए। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़े से वेज में डालेंगे, मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप के करीब लिया है मैंने गाजर, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े प्याज को चॉप कर लिया है बारीक और इसे डाल देंगे। आपके पास जो भी सब्जी है, आप जो पसंद करते हैं वेज, वो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हरा मिर्च, तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ा सा पत्ता गोभी मैंने लिया है, तो ये हम डाल देंगे इसके अंदर। और इसे डालने के बाद इसके बाद हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और आप चाहे तो इसमें चॉप किया हुआ अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, उसे भी बहुत ही बढ़िया बनता है। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें हम मिर्ची पाउडर डाल देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के करीब डाल देंगे इसके अंदर हम हल्दी पाउडर। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसके अंदर हम धनिया पाउडर डालेंगे। और इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर, मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच के करीब मैंने लिया है यहाँ पर मीट मसाला है। आप चाहें तो इसकी जगह आप चिकन मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर नहीं है तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं। और इसके बाद या इसकी जगह पे आप गरम मसाला ऐड कर दीजिए। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें नमक, काला नमक मैंने लिया है, आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 2 चम्मच मैंने लिया है भरकर चावल का आटा, इससे बहुत ही क्रिस्पी बनता है आपका कबाब, तो आप ज़रूर डालें, है तो नहीं है तो थोड़ा सा चावल को लेकर आप मिक्सी ग्राइंडर में आप पीस सकते हैं। थोड़ा चावल लीजिए और मिक्सी ग्राइंडर में पीस कर और उसको छान कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिया है 1 नींबू और 1 नींबू का रस डाल देंगे। इसे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है कबाब के अंदर, तो ज़रूर डालें इसके अंदर आप नींबू का रस डाल दें, या फिर अगर नहीं है तो दही भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं आप। और इसे डाल लेंगे और इसके बाद हम हाथों से अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और बहुत ही बढ़िया सा आपका कबाब बनकर रेडी होगा, सोया वेज कबाब। तो ट्राई करिए आप लोग। और जैसे कि देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है हल्का सा, और मिक्स करने के बाद इसमें मैं यहाँ पे धनिया पत्ता डालना भूल गई थी, तो फिलहाल अब इसमें हम ऐड कर देंगे, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो बस इसमें आप डाल दीजिए चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल दीजिए और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर पुदीना आप पसंद करते हैं तो पुदीना पत्ता भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे कि देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा जो यहाँ पे सोया है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बहुत ही एकदम टाइट हो गया है हमारा डो जो है कबाब के लिए। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कबाब बनेगा, एकदम अच्छे से बाइंडिंग हो रही है। और बस हम इसी तरह से अच्छे से, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ये पतला दिख रहा है तो आप थोड़ा सा चावल का आटा इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, 2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं इसमें, या फिर थोड़ा सा ब्रेड क्रम है वो इसमें ऐड कर दीजिए।
सभी तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका हम कबाब बना लेंगे। तो अपने हिसाब से आप कोई सा भी शेप में इसको बना सकते हैं, बड़ा फिर या फिर छोटा। तो मैंने यहाँ पे लिया है कबाब और इस तरह से अच्छे से दबाकर हम इसको गोल शेप में बना लेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं, इस तरीके से हमने दबाकर अच्छे से इसको बना लेना है कबाब। और बस किनारे से अच्छे से इसको हम, अगर जब किनारे फटने लगे तो अच्छे से मिला लीजिए, जैसे कि देख रहे हैं, अच्छे से चारों तरफ अच्छे से दबाकर। जैसे कि देख रहे हैं, बनकर हमारा यहाँ पे रेडी है। इस तरीके से आप बना लीजिए, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं अपने घर में सोयाबीन कबाब की रेसिपी। और इस तरीके से हम जितने भी कबाब है उसे भी हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं, फटाफट हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और आप सबको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में जो डालूंगी मैं कुछ अलग तरीके का है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कबाब को इस तरीके से बना लिया है। और इसी तरीके से हम सभी कबाब को हम रेडी कर लेंगे। तो बस यहाँ पे बनकर हमारा सभी कबाब जो है वो रेडी हो गया है इस तरीके से। अब चलिए इसको हम साइड करेंगे और इसको हम सेलो फ्राई करेंगे। डीप फ्राई नहीं करना है हमें, सेलो फ्राई ही करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन, और पैन में ज़्यादा तेल नहीं डालना है, हल्का सा तेल डालेंगे इसके अंदर और तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो जैसे कि देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कबाब को डालूंगी और इसे हम एक एक करके डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को, बेहद पसंद आने वाली है। और खाने में तो बहुत ही लजीज है, क्रिस्पी है, करारी है, और अंदर से भी बहुत ही अलग टेस्ट है इसका, क्योंकि हमने इसमें अंडा भी डाला है, बहुत सारे मसाले भी है जो खाने में बहुत ही टेस्टी हो जाता है। 2-4 मिनट के लिए इसको हम एक साइड फ्राई होने देते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, 2-4 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। और चलिए पलट लेते हैं, क्योंकि अच्छे से फ्राई हो गया है एक साइड में, और इसको हम पलट लेते हैं। तो पलट लेंगे और जैसे कि देख सकते हैं कि इसका जो कलर है कितना अच्छा आया है। तो आप लोग इस तरीके से अच्छे से फ्राई कर लीजिए। और इसको हमें सेलो फ्राई करना है, इसको हम डीप फ्राई नहीं करना है। तो इस तरीके से हम सभी कबाब को इस तरीके से हम पलट लेंगे, और दूसरी साइड भी हम अच्छे से इसको क्रिस्पी करारी होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे, सिल्लो फ्राई करना है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, अच्छे से यहाँ पे हो गया है। दूसरी साइड भी देख सकते हैं कि दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको भी हम पलट लेंगे और बस इस तरीके से जितने भी हम कबाब है वो भी हम बना लेंगे। और देख सकते हैं कि बस रेडी है, और बस हम इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो बस हमारा जो कबाब है बनकर रेडी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस ये 10 से 15 मिनट में ये फ्राई हो जाता है अच्छे से। और देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी है। मैंने यहाँ पे थोड़े से डेकोरेट कर दिया है सलाद डालकर, या मैंने प्याज डाला है, थोड़े से टमाटर डालकर। और इस तरीके से हम रमज़ान की इफ्तारी में इसको बनाकर आप गर्मा गर्म खाइए। और बस बनकर रेडी है हमारा यहाँ पे सोयाबीन कबाब की रेसिपी, और बनाना उतना ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।